आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की सुनी फरियादें। भूमि पारिवारिक विवाद समेत पुलिस में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी न होने की आई अधिकतर शिकायतें। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। बिहार से आकर लूट की घटना को अंजाम देकर बिहार भाग जाने वाले सातिर गैंग के चार अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से हुए घायल। कब्जे से जनपद कुशीनगर से 2014 में लूटी हुई सरकारी ग्लॉक 9mm पिस्टल, एक 315 बोर का कट्टा, कारतूस, दो मोटरसाइकिल, 55,000 रुपए नगद किया बरामद। गैंग से मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा दिया गया 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार। SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने दी जानकारी। सिकरीगंज इलाके में सड़क के किनारे मिला नवजात बच्चे का सर। धड़ की तलाश में जुटी पुलिस। SP साउथ ने कहा, शिनाख्ती का कराया जा रहा है प्रयास, जल्द होगा घटना का खुलासा। अलविदा की नमाज जनपद में शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से सकुशल हुआ संपन्न। पुलिस रही सतर्क। SSP भ्रमणशील रहकर लेते रहे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में हुए प्रकाश प्रतिबंध ब्लैक आउट के व्यापक मॉकड्रिल में वायुसेना की विमानों ने गिराया काल्पनिक बम। टीमों ने पाया क्षति पर काबू। अलग अलग मेथड से रेस्क्यू कर बचाव का किया गया कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर समेत 5 जिलों को मिलेगा नगर वन का उपहार। विस्तारित होगा इको टूरिज्म का दायरा। 13 जनपदों में 25 नगर वन, नगर वाटिका विकसित करने की बनी रणनीति। पर्यटकों को मिलेगा नेचुरल पिकनिक स्पॉट। आजमगढ़ का प्रभारी बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सीएम योगी को दिया धन्यवाद। कहा, देश और प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर लाने का करूंगा प्रयास। और जमात उल विदा अलविदा जुमा है रमजान के पाक महीने में विशेष तौर से मनाया जाने वाला त्योहार। जामा मस्जिद में मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत। कहा, सभी मुसलमान गरीबों और जरूरतमंदों की करते हैं मदद।